नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नीड फॉर ऑल चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बबुल आपको स्वागत करता हूं आपकी चैनल नीड फॉर ऑल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमारा आधार कार्ड को पैन से लिंक करते हैं। तो मैं दो तीन स्टेप पे ये आसानी से हो जाता है, तो आप मैं अपना आधार कार्ड अपनी पैन कार्ड के साथ लिंक करके आपको दिखाऊंगा, तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपकी ज़रूरत की जो भी जानकारियां मैं आपको देता रहूँगा। तो चलते हैं कैसे आधार को लिंक करते हैं अपना पैन कार्ड से, तो आप देखते रहें। तो चलिए किसी भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो उस पर लिख लीजिए इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स ये आ गया, इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए तो सबसे ऊपर आ जाएगा ये लिंक आधार इनकम टैक्स, ठीक है। उसको क्लिक कीजिए, बस दो तीन स्टेप पे ये आ गया। तो पहले ये लिखा रहता है, पहले अपना पैन नंबर दीजिए, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद आधार का नाम और आधार पे जो अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो मैं पहले इसको करके आपके साथ मेरा दिखा देता हूँ। मैं अपना पैन कार्ड का नंबर दे देता हूँ, उसके बाद ये मांगता है आधार नंबर, मैं अपना आधार नंबर भी दे देता हूँ 01 33 67। ठीक है, उसके बाद आधार पे जो नाम लिखा हुआ है मैं अपना डिटेल यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पर टिक आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। आधार कार्ड दो तारीख का भी निकलता है, पहले जो डेट ऑफ बर्थ था वो सिर्फ ईयर दिखाई देता था, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 और आधार पे लिखा हुआ है ठीक ईयर ऑफ बर्थ 1985। लेकिन और एक आधार अभी भी जो लोग करते हैं ना, वो लिखा हुआ था 3/5/1985 ऐसे। तो मेरा आधार नंबर सिर्फ ईयर पे लिखा हुआ है, तो मैं ईयर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। इमेज में यहाँ पर लिखा हुआ है FMBUWP, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों, अगर आप कैप्चर नहीं भर सकते तो OTP का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही लिख के आप यहाँ पर नीचे लिंक आधार पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। देखो ये हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। आधार पैन लिंकिंग इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, बस एक मिनट भी नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप अपना आधार को पैन कार्ड में लिंक कर सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। आई होप मुझे मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।